Assalamu alaikum. In this part of the video, we will discuss how to form a line of equation and then how to convert the equation into inequality. So, hum log basically aaj graph of inequalities discuss karenge. Achha ji. So, first step in graph of inequality is to form the line of equation. After converting a line into equation form, then you need to convert that equation into inequality. You need to replace equals to sign into sign of inequality, which is greater than or lesser than, greater than or equal to, lesser than or equal to. These are the sign of inequality. Okay, so hamare paas first equation hai, hamare paas inequality hai. The uncharted region R is defined by three inequalities. The three inequalities means defined by three lines. The three lines जो आपके पास ट्राइंगल की तीन लाइंस बनी हुई है, पहले आपने उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. आफ्टर कन्वर्टिंग देम इनटू इक्वेशन, देन आपने उसको इनइक्वालिटी का साइन पुट करना है. इट मींस इधर यू नीड टू पुट ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेसर देन और इक्वल टू. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज टू फॉर्म एन इक्वेशन. तो सबसे पहले हम इन तीन लाइंस की इक्वेशन बनाते हैं. इक्वेशन बनाने के बाद फिर हम इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे. पहले तो हम देखते हैं हमारे पास जो गिवन है वो क्या है. हमारे पास गिवन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. व्हेनेवर द इक्वेशन x इज इक्वल टू a इज देयर, व्हेनेवर द इक्वेशन x इज इक्वल टू a इज देयर, इट मींस दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. x इक्वल टू 1 मींस अ वर्टिकल लाइन. x इक्वल टू a मींस वर्टिकल लाइन. फॉर एग्जांपल इट विल बी लाइक दिस, अ वर्टिकल लाइन. ओके, सो तो सबसे पहले आपने देखना है कि गिवन क्या है एंड देन फाइंड आउट क्या करना है. हमारे पास जो गिवन है वो है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. सो इट्स एक्स इक्वल टू ए, इट सीम्स लाइक एक्स इक्वल टू ए, तो वो लाइन होती है वर्टिकल लाइन. इन तीन में से वर्टिकल लाइन कौन सी हमारे पास, दिस वन इज द वर्टिकल लाइन व्हिच इज एक्स इज इक्वल टू 1. व्हाई दे पुट ग्रेटर देन और इक्वल टू, बिकॉज द पार्ट व्हिच वी हैव टू डिस्क्राइब, जो रीजन हमें डिस्क्राइब करना है अनचेरेड रीजन, वो इस लाइन के राइट पर है. वो इस लाइन के किस साइड पे है, वो इस लाइन के, इस वर्टिकल लाइन के x equals 1 के. दिस इज x equals 1. ये जो रीजन R है दैट इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ दिस लाइन. तो अगर वर्टिकल लाइन के राइट की तरफ होगा तो आपने इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की यूज करनी, ग्रेटर देन और इक्वल टू. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इट मींस लाइन के राइट वाला हिस्सा और लाइन पे जो मौजूद पॉइंट है वो भी काउंट होंगे. इक्वल टू मतलब ये होता है, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी लाइन के ऊपर इक्वल टू मींस दिस लाइन इज आल्सो इंक्लूडेड देयर, तो आपने लाइन के ऊपर मौजूद पॉइंट्स भी काउंट करने हैं. ओके, नाउ एक तो इनइक्वालिटी गिवन है, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर ली कि जो हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है वो ये है एक्स इक्वल टू 1, इसकी इनइक्वालिटी हमारे पास गिवन है. नाउ द रिमेनिंग टू लाइंस आर दिस वन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन. These are the two lines. पहले आपने हमने इसकी equation बनानी है. Equation बनाने के बाद फिर इसको हमने inequality में convert करना है. तो whenever the line is horizontal, horizontal line की equation होती है, और this is the horizontal line, इसकी equation होती है y is equal to c. ये जो हमारे पास लाइन है जो माइनस थ्री से गुजर रही है, दिस वन, दिस वन, सो दिस लाइन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इट गिव्स द इक्वेशन y is equal to माइनस थ्री. Because it passes from minus 3. Okay? So whenever the horizontal line is there, तो आपने चेक करना है कि वो लाइन कहाँ से गुजर रही है horizontally. आपने सिर्फ वो नंबर पुट कर देना है, y is equal to that number. Okay? Then you need to put the sign of inequality instead of equal sign. हमें inequality find out करना है, हमें unshaded region find out करना है, तो हमने equals को हटा के inequality put करना है. तो आपने चेक करना है कि जिस region को हमने define करना है वो इस line से ऊपर है या नीचे है. अगर वो रीजन इस लाइन से ऊपर है तो यू नीड टू पुट ग्रेटर देन और इक्वल टू. सो इट्स इनइक्वालिटी विल बी y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थ्री. अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे होता तो आपने क्या पुट करना था, लेसर देन और इक्वल टू. ओके, तो आपने क्या चेक करना, वर्टिकल लाइन में राइट और लेफ्ट चेक करना, और बाकी तमाम लाइन में आपने चेक करना है कि जिस हिस्से को आपने डिफाइन करना है वो ऊपर है या नीचे है. ठीक है, अगर ऊपर होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर नीचे होगा तो लेसर देन और इक्वल टू. ओके, नहीं तो हो गई हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी जो क्वेश्चन में डिमांड कर रहा था. तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास बन गई, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थ्री. नाउ द थर्ड लाइन इज दिस वन, दिस इज द थर्ड लाइन. नाउ यू नीड टू पुट द इनइक्वालिटी, यू नीड टू राइट द इनइक्वालिटी ऑफ दिस लाइन एज वेल. सो दिस इज द स्लोपिंग लाइन व्हिच इज हैविंग नेगेटिव ग्रेडियंट, बिकॉज
because the line is falling from left to right and it's having a y-intercept 5. Y-intercept means jab line jahan pe y-axis ko cut karti hai, that is called y-intercept, that is representing by c, jo ke c se represent kiya jata hai. ओके okay, अब आपने इस लाइन की इक्वेशन बनानी, जो भी स्लोपिंग लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है y is equal to mx plus c, c हमने फाइंड आउट कर लिया, c is 5, हमने m फाइंड आउट करना है, m is the gradient. इसका ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा बिकॉज द लाइन इज फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, अच्छा जी, फॉर फाइंडिंग आउट द ग्रेडियंट वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियोस एज वेल कि यू नीड टू टेक एनी टू पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन द लाइन. Take any two points. It's up to you. हर कोई बच्चा अपने हिसाब से पॉइंट ले सकता है. I have mentioned so many points on the line. तो इसमें से कोई भी दो पॉइंट आपने लेने, कोई भी दो पॉइंट. जैसे मैं आपके पास मैं पॉइंट लेता हूँ 1.4. एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, दूसरा पॉइंट में ले लेता हूँ 4.1. एक पॉइंट मैंने ये ले लिया. आपकी मर्जी, आप इसके अलावा कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं. इट्स अप टू यू. हर बच्चा अपने हिसाब से पॉइंट ले सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि वो लाइन पर मौजूद होना चाहिए. इट मस्ट बी ऑन द लाइन. After taking two points to coordinates, you need to apply the formula for finding out the gradient, which is y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is x1 y1, and this is x2 y2. Y2 minus y1 means 1 minus 4, y2 1, and y1 4, 1 minus 4. X2 minus x1 means this is x2, this is x1, 4 minus 1. So it will be minus 3, it will be 3, so gradient will be minus 1. So m ki value aa gayi minus 1. So hamare paas equation bani, y is equal to m will replace by minus 1, gradient is minus 1, and c is y intercept is y 5. So c is 5. This is the equation. Iska mark aapko nahi milna hai. Theek hai, you need to put the sign of inequality. Aapne inme se koi ek sign put karna hai jiska aapko mark milega. Theek hai, to ab aapne dekhna hai ki ye हमें डिफाइन करना है अनशेडेड रीजन आर. हमने आर को डिफाइन करना है, ये हमारे पास लाइन है. ठीक है, अब हमने देखना है कि आर इसके नीचे है या ऊपर है. अगर आर इस लाइन से नीचे होगा तो यू नीड टू पुट लेसर देन साइन, अगर आर इस लाइन से ऊपर होगा तो यू नीड टू पुट ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन. तो आर हमारे पास इस लाइन से नीचे है, तो हमने क्या करना है, वाई इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फाइव. इफ यू नीड टू चेक कि आपने अगर चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, आप कोई भी एक पॉइंट ले लो जो इस आर को डिफाइन कर, माने आंसर रीजन में से. ये मैंने पॉइंट लिया 2.1. अगर मैं इसमें 2.1 पुट करूं, y इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फाइव में, x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट करूं, तो मेरा आंसर सही होना चाहिए. y की जगह मैंने 1 पुट किया, x की जगह मैंने 2 पुट किया, प्लस 5, 1 इज लेसर देन और इक्वल टू 3. यस, 1 इज लेसर देन 3, सो इट्स 2. तो ये चेक भी आप कर सकते हो अपनी inequality ko, either it's right or wrong. Okay, so this is the way to complete the inequality. You need to make an equation first. After making an equation, then you need to put the sign of inequality, either greater than or lesser than, greater than or equal to, or lesser than or equal to, according to the condition of the question, requirement of the question. Now ab hum aur question discuss karte hain. Chalo hum discuss karte hain jiske andar line draw karni ho hame. Question number 4. Write down the equation of line L. Ab line L question mein bani hui hai. You need to write an equation. It's a sloping line. It's not horizontal and not vertical. It's a sloping line which is having a positive gradient because the line is rising from left to right. If the line is rising from left, this line is rising from left to right. If the line is rising from left to right, so it means it's having a positive gradient, rising from left to right. So it means it's have a positive gradient. इसका gradient जो आएगा वो positive आएगा. इसका c जो है वो है 3. वो c means y intercept, y axis पे कहाँ cut कर रही है line? 3 पर. ठीक है, now get the gradient. As I told you, take any two points which lies on the line. Directly भी कर सकता हूँ मैं, और इसको मैं points के थ्रू भी कर सकता हूँ. Directly कैसे कर सकता हूँ, इन दो points में कितना rise है कितना run है वो count करके. Gradient is also representing by rise ratio run. यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आई हैव टू राइज टू पॉइंट एंड रन वन, सो इट्स ग्रेडियंट इज 2/1 विच इज 2. अब मैं वैसे निकालता हूँ पॉइंट्स के थ्रू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो चेक करते हैं कैसे आता है. ये यही दो पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स चेक दीज टू पॉइंट 0, 2 एंड 1, 5.
5. Y2 is 5. This is Y2. This is Y1. 5 minus 2. X2 is 1. And X1 is 0. 5 minus 2, 1,5. It's 0,3. It's 0,3. It's 0,3. I mean, I got it wrong. So make it right. It's 0,3. 5 minus 3 and 1 minus 0. So it will be 2 upon 1. So gradient, aap chahe rise ratio 1 se nikale ya aap nikale point leke. It's up to you. Kisi bhi tarah se aap nikal sakte hain 1,5. Aapne do points le, iske alawa bhi aap koi bhi do points le sakte hain line ke upar maujood. तो ये क्वेश्चन बन जाएगी y is equal to mx plus c, m आया 2 और c है आपका 3. तो ये आपकी क्वेश्चन बन गई. फर्स्ट जो डिमांड थी क्वेश्चन की वो पूरी हो गई. y is equal to 2x plus 3 is the equation of line L. Okay? Now you need to draw the line x equal to 1, y is equal to 3 and x plus y is equal to 2. You need to draw these three line in the on the grid. Okay? तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं. द फर्स्ट लाइन इज x इज इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 मींस वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 1 इज ओवर हियर. यू नीड टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन एट x इक्वल टू 1. सो दिस इज x इक्वल टू 1. नाउ द सेकंड लाइन इज y इज इक्वल टू 3. y इज इक्वल टू c मींस y इज इक्वल टू नंबर मींस हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 3. y इज इक्वल टू 3 इज ओवर हियर. y की वैल्यू 3 जहां पे वहां पे आप लाइन ड्रॉ कर दो. y इज इक्वल टू 3. देन x प्लस y इज इक्वल टू 2. x प्लस y इज इक्वल टू 2 के लिए हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. x प्लस y इज इक्वल टू 2. y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2. अब इसको हमने ड्रॉ करना है. ग्रेडियंट इसका माइनस में है और y इंटरसेप्ट इसका 2 है. तो इसमें तरीका है लाइन ड्रॉ करने का, बहुत सारे तरीके, उसमें से एक तरीका ये भी है कि टेक एनी 2 और 3 पॉइंट्स, एटलीस्ट 3 पॉइंट, टेक एनी 3 पॉइंट्स और x की जगह कोई भी 3 पॉइंट्स कंसीडर करें, x की जगह पुट करें और y निकालें. x की जगह मैंने 0 पुट करना है तो 2 minus 0 it will be 2. x की जगह अगर मैं 1 पुट करूंगा यहां पे तो 2 minus 1 it will be 1. x की जगह अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 2 minus 2 it will be 0. तो ये 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास. 0,2 0,2 is over here. 1,1 1,1 is over here and then 2,0 0,2 or 2,0 is over here. तो इनसे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. 3 पॉइंट्स हैं. ये लाइन मिल गई, मुझे मिल गई y is equal to minus x plus 2 negative gradient because the line is falling from left to right. Gradient is negative and y intercept is plus 2. y intercept is plus 2. ठीक है, ये हमें लाइन मिल गई. ये तो हमारे पास लाइन को ड्रॉ करने के मार्क्स हो गए. Now you need to shade the region. अब आपके पास जो क्वेश्चन है, inequality का मेन क्वेश्चन है वो ये है. Shade the region. X is greater than or equal to 1. अच्छा, इसको शेड करने का तरीका क्या है? जो आंसर में नहीं आ रहे वो मैं कैंसिल करता जाऊंगा. जैसे x is greater than or equal to 1, x equal to 1 is there. ये x equal to 1 की लाइन है. इसका मतलब है शेड जो होगा इसके राइट पे होगा. ग्रेटर देन का मतलब है इसके राइट पे शेड होगा. इसका मतलब है इसके लेफ्ट पे शेड नहीं होगा. जहां नहीं होगा वो मैं कैंसिल करता जाता हूँ. यहाँ पे शेड नहीं होगा. जो नहीं होगा वो मैंने कैंसिल कर दिया. ठीक है, जो होगा हम उसको छोड़ के जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे शेड नहीं होगा. ओके, सेकंड वन इज वाई इज लेसर देन और इक्वल टू 3. दिस इज वाई इज, वाई इज 3. लेसर देन मतलब इस लाइन के नीचे की तरफ, नीचे की तरफ शेड होगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा. तो जहां नहीं होगा वो मैंने कैंसिल कर दिया. यहाँ पे नहीं होगा. ओके, इस हिस्से पे नहीं होगा. जहां जहां नहीं होगा मैंने कैंसिल कर दिया. लेसर देन इक्वल टू 3 माने x के राइट की तरफ होगा और y के नीचे की तरफ होगा. जो नहीं होगा वो मैं कैंसिल करता जा रहा हूँ. उसके बाद है x plus y is greater than or equal to 2. अब ये लाइन है, इसके ऊपर की तरफ शेड होगा. इसके x plus y is greater than or equal to 2 मतलब greater than मतलब इसके ऊपर की तरफ शेड होगा, नीचे की तरफ शेड नहीं होगा. यहाँ पे शेड नहीं होगा. ठीक है, जहां जहां पे नहीं होगा वो मैंने कैंसिल कर दिया. लाइन के ऊपर की तरफ शेड होगा. अब जहां जहां पे कैंसिल हो चुका है उसके अलावा जो हमारे पास हिस्सा बच रहा है वो कौन सा हिस्सा है? वो हमारे पास हिस्सा बच रहा है ये वाला. दिस इज द पार्ट यू नीड टू शेड. अब ये हिस्सा है जो शेड होगा आपके पास. ये वो हिस्सा है जो सारी इनइक्वालिटी को डिफाइन कर रहा है.
रेंडमली कोई भी इनइक्वालिटी आप चेक कर लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई फर्स्ट इनइक्वालिटी थी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, तो यस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एक्स के राइट की तरफ शेड है। उसके बाद कह रहा वाई इज लेसर देन और इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू थ्री, ये लाइन है नीचे की तरफ शेड है, यस वाई इज लेसर देन और इक्वल टू थ्री। उसके बाद है एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो दिस इज एक्स प्लस वाई, इसके ऊपर की तरफ शेड है, यस। अगर आपको और भी चेक करना है तरीका, तो आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठाएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने उठाया 4.2, ये पॉइंट मैंने उठाया यहाँ से, दिस इज द पॉइंट 4.2। अब मैं इसको किसी भी इनइक्वालिटी में पुट करके चेक कर दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, मैंने इसमें पॉइंट पुट करना है 4.2। अब x की जगह मैंने 4 पुट करना है और y की जगह मैंने 2 पुट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस इट्स ट्रू। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना हो तो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। सो इनइक्वालिटी में बेसिकली क्या है, यू नीड टू पुट द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इंस्टेड ऑफ इक्वल्स। अगर आपको इक्वेशन अच्छे से बनाना आती है तो आप लोग आसानी से इनइक्वालिटी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, जहां पे सिर्फ ग्रेटर देन आता है। अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग देखें कि यहाँ पे तीन लाइन से एक रीजन डिफाइन हो रहा है। द थ्री लाइन्स आर द डॉटेड लाइन्स, नंबर 1 y इज इक्वल टू 12, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इज इक्वल टू 12, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी y इज इक्वल टू 12। उसके बाद दिस इज द वर्टिकल लाइन व्हिच पासेस फ्रॉम 2, सो इट विल बी x इज इक्वल टू 2, एंड दिस इज द स्लोपिंग लाइन whose intercept is 0 and y intercept is 0 and it's having a positive gradient, its gradient positive hai. Okay, so shade the region inside the dotted diagram, dotted boundary lines defined by three inequalities, one of these inequalities x is greater than or equal to 2, iska matlab hai iski inequality hamare paas given hai x is greater than 2, equal to nahi hai, x is greater than 2, iski inequality hamare paas given hai, greater than ka matlab hai the points which lies on the line will not be counted, means जो इस लाइन पे मौजूद पॉइंट आ रहे हैं डॉटेड लाइन पे वो काउंट नहीं होंगे, इनसाइड द ट्रायंगल काउंट होंगे सिर्फ जो शेड हुआ हुआ रीजन, लाइंस काउंट नहीं होगी इसके आंसर में। अच्छा जी, नाउ यू नीड टू राइट द टू अदर इनइक्वालिटीज, राइट डाउन द अदर टू इनइक्वालिटीज। तो एक तो बिल्कुल आसान है, हॉरिजॉन्टल लाइन है y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 इज देयर। अब जो रीजन हमें डिफाइन करना है वो इस लाइन से नीचे है या ऊपर है, सो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ कि भाई ये जो रीजन आर जो है वो इस स्केल से नीचे ऊपर है, ऑब्वियसली ये नीचे है, सो अगर नीचे है तो यू नीड टू पुट वाई इज लेसर देन 12। लेसर देन मींस जो साइन है उसकी टेल आएगी वाई की तरफ, सो यू नीड टू राइट रीड वाई इज लेसर देन 12। तो ये हो गई आपके पास पहली इनइक्वालिटी, आपने इसकी इक्वेशन बनानी है, टेक एनी टू पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द पॉइंट सी, तो इसका जीरो है, एम आपने फाइंड आउट करना है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन या राइज रेशियो वन से, आपकी मर्जी है। मैंने कोई भी दो पॉइंट ले लेने हैं लाइन पे, मुझे मैंने ये दो पॉइंट ले लिए, एक है 0.0, आप अपनी मर्जी से कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं 1.2। तो y टू 2 है 2 माइनस 0, x टू 1 है 1 माइनस 0, ग्रेडियंट इज 2 अपॉन 1 मीन्स 2, सो m आ गया 2। तो आपकी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m की जगह 2 और c की जगह 0, ये आपके पास बन गए इक्वेशन। बट आपको इक्वेशन तो नहीं चाहिए, आपको इनइक्वालिटी चाहिए, दे आर आस्किंग टू राइट एन इनइक्वालिटी व्हिच डिफाइन द रीजन आर। तो आपने क्या करना है, इस इक्वल टू को हटा के यू नीड टू पुट द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो इसकी जगह आएगा आपको ऊपर वाला हिस्सा डिफाइन करना है, तो आपके आंसर में आएगा वाई इज ग्रेटर देन 2x। ठीक है, तो यह आपने इक्वल टू हटा के इनइक्वालिटी पुट कर दी। ग्रेटर देन क्यों लगाया, क्योंकि जिस रीजन को आपने डिफाइन करना है वो रीजन जो है इस आर से ऊपर की तरफ है, आर ये लाइन है, ये जो r है इस लाइन से ऊपर की तरफ है, देन दैट इज व्हाई यू नीड टू पुट द ग्रेटर देन साइन। और इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, ग्रेटर देन के नीचे लाइन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है, इनसाइड द ट्रायंगल को डिफाइन करने का कह रहा है, तो हमने डॉटेड लाइन नहीं, डॉटेड लाइन में ग्रेटर देन आता, इक्वल टू नहीं आता। अगर आपको चेक करना है तो आप कोई भी एक पॉइंट लेके चेक कर लें, मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंट लिया, इसके पॉइंट है 3.10, तो अगर मैं 3.10 पुट करता हूँ यहाँ पे, लेट्स चेक मेरा आंसर करेक्ट आता है कि नहीं आता, वाई इज ग्रेटर देन 2x, वाई की जगह 10, x की जगह 3, 10 is greater than 6, yes it's true। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो गया आंसर निकालने का।
ठीक है, तो ये आंसर आपके पास आ गया। अब हम निकालते हैं दूसरा आंसर, सेकंड पार्ट। द पॉइंट सी कॉमा डी, द पॉइंट सी कॉमा डी वेयर सी एंड डी आर इंटीजर लाइज ऑन द शेडेड रीजन आर। अब जो सी कॉमा डी है वो इंटीजर को डिनोट कर रहा है, मींस इट्स अ होल नंबर, यू आर नॉट सपोज टू टेक द डेसिमल नंबर। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी प्लस डी, मींस आपने मैक्सिमम आंसर निकालना है। तो पहले तो मैं यहाँ देख लेता हूँ मेरे पास आंसर आ कितने रहे हैं। मेरे पास आंसर आ रहा है 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, दिस पॉइंट इज 11, वाई इज 11 ओवर हियर, वाई इज 11 ओवर हियर एंड एक्स इज 3 ओवर हियर, 3.11। उसके बाद आ जाता है 4.9, 4.10, 4.11, ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो मैं पुट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आ जाता है 5.11। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स जो कि इनसाइड द ट्राइंगल है और होल नंबर में है। ठीक है, लाइन के ऊपर मौजूद हम पॉइंट्स नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में इंटीजर मालूम किया, इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर, आप डेसिमल काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा है, जो एक्स और वाई का मैक्सिमम आंसर आएगा, एक्स प्लस वाई सी कॉमा डी का जो मैक्सिमम आंसर आएगा, सी प्लस डी का मैक्सिमम आंसर, वो इस पॉइंट से आएगा। ये पॉइंट है 5.11। सो सी एक्स सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम 5.11 लेंगे, इट विल गिव द मैक्सिमम आंसर ऑफ सी प्लस डी। 5.11 विल गिव द 16 आंसर, दैट इज द मैक्सिमम आंसर, इससे बड़ा आंसर नहीं आ सकता। उसके बाद अगर मैं 6.12 लेता हूँ तो वो लाइन के ऊपर मौजूद है और लाइन के ऊपर मौजूद नंबर काउंट नहीं होंगे बिकॉज इसमें इनइक्वालिटी में लेसर देन लिखा हुआ है या ग्रेटर देन लिखा हुआ है। लेसर देन और ग्रेटर देन का मकसद होता है कि आपके पास लाइन वाले नंबर काउंट नहीं होंगे। ओके, फाइंड द वैल्यू, मैं पहले सारे पॉइंट लिख देता हूँ। फाइंड द वैल्यू गिवन डी इज इक्वल टू 3c। अच्छा जी, मेरे पास जो पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया, ये है 3.7, 3.7 ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, 3.8 ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, 3.9 ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ये रहा 3.9, 3.10 ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, 3.11 ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, उसके बाद 4.9 ट्राइंगल में आ रहा है, 4.9, उसके बाद 4.10 और 4.11, 4.10 और 4.11, और उसके बाद आ रहा है 5.11, 5 and 11। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स व्हिच इज इनसाइड द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल के अंदर लाए कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास आंसर देंगे। अच्छा जी, सो इसमें से कौन सा पॉइंट है जिसमें d इज इक्वल टू 3c आ रहा है, मतलब c को 3 से मल्टीप्लाई करें तो d आ रहा है। सो ये वो पॉइंट है जिसमें c आपके पास 9, 3 है और d आपके पास 9 है। तो अगर मैं d इज इक्वल टू 3c यहां करूंगा तो d की जगह 9 पुट करूंगा और c की जगह 3। तो इस कंडीशन में ये एक जैसे आ रहे हैं, सेम हो रही है इनइक्वालिटी। ये जो कंडीशन दी हुई है d इज इक्वल टू 3c, ये प्रूव हो रही है 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट विच प्रूव द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो इस तरह के इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आएंगे, आपने उसको समझना होगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। होप कि इनइक्वालिटी के बहुत हद तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कॉन्सेप्ट में कुछ क्लेशेस हैं, कुछ चीज समझ में ना आ रही हो तो मुझे कॉमेंट करें, मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज करके मुझे बताएं, कॉमेंट करके मुझे बताएं कि ये चीज़ है, ये हिस्सा है जो आपको समझ में नहीं आया। तो इंशाल्लाह मैं फिर उस हिस्से को हाईलाइट करके एक और वीडियो इसकी अपलोड कर दूंगा। सो होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। पेपर करीब है, जिसको जितना फ़ायदा उठा सकते हैं इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं एंड दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।